तो स्वागत है आप सबका। आज हम इंडियन गोल्ड डिगर्स प्रैंक पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पिछले वाले वीडियो पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो मैंने अपना पिछला वीडियो इस प्राणी पे बनाया था, और वीडियो बनाने के बाद जो प्यार मिला है ना, वो मैं बिना बताए रह नहीं पाऊंगा। तो हमारे सुमित कुमार भाई कह रहे कि भाई तूने इतना कुछ बोला, एक बार तो अपनी शक्ल दिखा जरा, तू कितना स्मार्ट है भाई, तेरे बातों से तो लर्न लग रहा है तू। देखो क्या है ना, किसी किसी को लर्न दिखता है और किसी किसी को लर्न महसूस होता है, लेकिन सुमित भाई को बातों से ही लर्न के होने ना होने का एहसास हो जाता है। क्या टैलेंट है नहीं सुमित भाई के अंदर। लेकिन सुमित भाई का ठीक है, अगले बंदे ने जो कमेंट किया ना, उसको पढ़ के मेरे दिल पे लर्न चुभा है। तो आरसा खान बोल रही है, तेरी माँ क्यों कुड़ारा, ये पढ़ के मुझे दुख बहुत हुआ। वो अलग बात, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे दुख बहुत हुआ। और सुमित भाई और आरसा बहन, यार मैंने एक छोटा सा मजाक किया, दिल पे मत लो यार। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जिन जिनको गोल्ड डिगर्स का मतलब नहीं मालूम, तो गोल्ड डिगर्स कुछ ऐसा होता है। तो एक खूबसूरत सी लड़की अपने काम से काम रख रही होगी, और एक लड़का जाके उसको फिंगरिंग करेगा। नहीं, मेरा मतलब कि उस लड़की के काम के बीच उसको उंगली करेगा, उसको डिस्टर्ब करके उससे बात करने की कोशिश करेगा। और वो लड़का थोड़ी देर बात करने के बाद बोलेगा, अरे मुझे तुम्हारा नंबर दो ना, प्लीज मुझे तुम्हारा नंबर दो ना। और जाहिर सी बात है, एक लड़की उसको बोली कि जा अपनी ये सड़ी हुई टमाटर जैसी शक्ल को लेके कहीं और गांड मारा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो लड़का उस लड़की के सामने अपनी महंगी कार लेके आएगा, और उस कार को देख के लड़की के दिल में कुछ होगा, जिससे वो सड़े हुए टमाटर को भी ऋतिक रोशन से कम नहीं समझेगी। और वो लड़की उस लड़के के पास आने की कोशिश करेगी, और वो लड़का बोलेगा, मुझे गोल्ड डिगर्स पसंद नहीं है, जा तू गांड मारा। बस यही होता है गोल्ड डिगर प्रैंक। चलिए ऐसे एक गोल्ड डिगर प्रैंक पे नजर मारते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? इट्स नॉट योर बिजनेस, ओके? मैं आपको काफी देर से नोट कर रहा हूँ, आप सिंगल खड़े हो यहाँ पे। वाह बेटा वाह, अकेली लड़की दिखी तो उसको नोट करने लगा, रास्ते भी इतने अकेले भिखारी होती, कभी उनको नोट किया है तूने? अगर कभी किया होता ना, ये लड़की वो देख के जरूर खुश हो जाती और तुझे अपना दे देती। दिल दिल, वो भी अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। साला आजकल सब कुछ क्लियर करके बताना पड़ता है, ये लड़कियां तीन तीन दिल लेके जो घूमती है। तो प्लीज टेल मी योर गुड नेम। नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज गो अवे। प्लीज बता दीजिए यार, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज गो अवे। ओके थैंक यू। अच्छा अब समझ में आया, ये भिखारियों को नोट क्यों नहीं करते, क्योंकि साला ये खुद ही एक भिखारी है। ये तो मतलब कतई नाम जानने की भीख मांगने लगा। ए बता ना रे, तेरा नाम बता ना रे, प्लीज मेरे को तेरा नाम बता ना, मेरे को तेरे से फ्रेंडशिप करने का है प्लीज। ओ मैं हूँ तेरा किंग, लेके आया रिंग, बन जानी आज मेरी क्वीन तू। इस वीडियो को देख के मुझे दो चीज समझ में आया, पहला ये वीडियो फेक है, और दूसरा कि ये वीडियो सच में फेक है। नहीं आप इस कैमरामैन को गौर कीजिए, वो अपना कैमरा लेके इस लड़की के इतने पास खड़ा, लेकिन फिर भी इस लड़की को वो कैमरामैन नहीं दिख रहा। और दूसरी बात ये है कि बहन तू ऑडी पे बैठी है, तुझे i20 वाला कैसे पसंद आया, तू 2-3 घंटे रुक के ऑडी वाले से क्यों नहीं पट गई? और माँ कसम, अगर तूने ऑडी पे बैठ के i20 की तारीफ की ना, मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। बस यही तो सुनना बाकी था। इस लड़की ने सच में एक ऑडी पे बैठ के एक i20 की तारीफ की। आज के लिए मैं इतना ही ले सकता हूँ, सुबह के 4 बज रहे, मैं इससे ज्यादा लूंगा मैं फट जाऊंगा। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, मैं डब वीडियोस भी बनाता हूँ, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में। अगर आपको वो वीडियो पसंद है तो आप मुझे बताइए, और आप मुझे वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हैं जिसका मैं डब करूँ। और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार, हमारा एक पेज है फेसबुक में, उसको भी लाइक और फॉलो करो यार। चलो थैंक यू, बाय।